हरियाणा में स्कूल बस पलटी, 6 बच्चों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। इस प्राइवेट स्कूल में ईद की छुट्टी नहीं थी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार की सुबह बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूल की बस पलट गई। हादसे में 5-6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 15 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हादसे की वजह ओवरटेक बताया जा रहा है। महेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना में स्थित GL पब्लिक स्कूल ईद पर छुट्टी के बाद भी खुला था। गुरुवार सुबह बस 35 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इस बीच गांव उन्हानी के पास स्कूल बस ओवरटेक करते हुए अचानक पलट गई। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ और चीख पुकार मच गई। 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। शिक्षा मंत्री बोली, अधिकारियों से बात कर रही हूं। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने फोन पर कहा कि मैं DC और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कर रही हूं। यह पूछने पर कि क्या छुट्टी के दिन स्कूल लगने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं सभी चीजों का पता लगा रही हूं। उसके बाद इस मामले में कुछ नहीं कहूंगी, थोड़ी देर बाद घटनास्थल का दौरा भी करूंगी। बस का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर। जानकारी के मुताबिक इस स्कूल बस के डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट नहीं थे, फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर दिखाया जा रहा है। इसके बाद भी स्कूल इस बस को चला रहा था। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष का है स्कूल। कनीना में स्थित ये स्कूल करीब 22 साल पुराना है, जो 12वीं कक्षा तक संचालित है। इस स्कूल के मालिक राजेंद्र लोढ़ा है, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं। वह नगर पालिका कनीना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।